जयपुर में दिन दहाड़े हवाई फायरिंग। घर के बाहर खड़े युवक पर बदमाशों ने सरियों से हमला किया, फिर दो बार गोलियां दागकर कार से भागे। जयपुर के करधनी इलाके में कार सवार बदमाशों ने शुक्रवार को दिन दहाड़े एक युवक पर सरिया से हमला कर दिया। इसके बाद दो हवाई फायरिंग कर भाग निकले। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वारदात गणेश वाटिका कॉलोनी में रहने वाले अंकित आकोदा पर हुआ। वह सुबह 9:30 बजे अपने घर से बाहर खड़ा था, तभी एक ऑल्टो कार में सवार चार बदमाश आए। इनमें एक बदमाश की पहचान विजय सिंह कोलारा के नाम से हुई है, जो कि सवाई माधोपुर का रहने वाला है। इन बदमाशों ने अंकित आकोदा को पकड़कर पीटा, उसके पैरों पर सरियों से ताबड़तोड़ वार किए, फिर उसे धमकाते हुए दो बार हवाई फायरिंग कर भाग निकले। जिस युवक पर हमला हुआ उसके खिलाफ भी दर्ज है केस। वारदात की सूचना मिलने पर करधनी थाना प्रभारी राजेश बाफना, एसीपी झोटवाड़ा प्रमोद स्वामी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हमले में घायल अंकित को कांवटिया अस्पताल पहुंचाया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। पुलिस अंकित के बयान दर्ज कर रिपोर्ट दर्ज कर रही है। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि हमले में घायल अंकित भी आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके खिलाफ भी चाकू मारकर लूटपाट का केस दर्ज है। वह पहले विजय सिंह के गिरोह से जुड़ा हुआ था, यह भी सामने आया है। पुलिस इन तथ्यों की पड़ताल कर रही है।